मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मतदान के बाद दो दिन तक कोई गतिविधि सामने नहीं आई, लेकिन दो दिन बाद वह नरसिंहपुर जिले के हीरापुर आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुरु षडमुखानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया और अनुष्ठान में भाग लिया। गुरुजी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह को राजराजेश्वरी की गुप्त पूजा कराई। सीएम शिवराज का बेहद लंबा और थका देने वाला चुनाव कैंपेन रहा है, लेकिन इसके बाद भी वह रिलैक्स नहीं है और पत्नी के साथ पूजा अर्चना में लग गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव अभियान की शुरुआत भी इन्हीं गुरुजी के आशीर्वाद से की थी, तब भी उन्होंने पूरे परिवार के साथ आशीर्वाद लिया था। चुनाव समाप्ति के बाद फिर से सीएम शिवराज पर फिर गुरु की शरण में आना हुआ। शिवराज सिंह का पत्नी साधना सिंह के साथ तीन महीने में लगातार तीसरी बार हीरापुर आश्रम आए हैं, जहां उन्होंने महाराजश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। नरसिंहपुर में पत्रकारों से बातचीत में काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे सीएम शिवराज ने कहा, 3 तारीख के बाद क्या करना है, उसकी तैयारी में लगा हूँ। संकल्प यही है कि सरकार बनने के बाद लाडली बहना के बाद लाडली लखपति बहना अभियान शुरू करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिला है, ज्यादातर लाडली बहनाओं ने रिकॉर्ड तोड़ आशीर्वाद दिया है। सरकार बनने के बाद लाडली बहन से लखपति बहन बनाने का काम शुरू करना है। किसानों के संकटों को दूर करने में लगा हूँ। हम 3 तारीख के बाद क्या करेंगे, उन्हीं तैयारी में लगा हुआ हूँ। रास्ते में मिल रही महिलाओं एवं बच्चों से उन्होंने आत्मिकता से मुलाकात की और सेल्फी खींचवाई। बता दें कि सीएम शिवराज 2 दिन तक बिल्कुल शांत रहे थे। चुनाव से पहले जहां 10 से 10 सभाएं करने वाले सीएम शिवराज सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिए। इस दौरान एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।